सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो यार, आज की इस वीडियो में हम करेंगे मोडी ग्रीन वाली एडिटिंग, जो देख सकते हो आज इस तरह की एडिटिंग हम करेंगे। सो बिना किसी देरी के हम स्लोक स्टार्ट करते हैं इसे। ओके गाइस, मैंने ओपन कर लिया है लाइट रूम ऐप और अपने फो इमेज को इम्पोर्ट कर लिया है, और अब हम करेंगे इसके एक्सपोजर को थोड़ी सी कम। और गाइज, एक्सपोजर कम कर लिया है और हम लोग कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे। कॉन्ट्रास्ट हम लोग इंक्रीज करेंगे, मैंने 23 किया हुआ है। और यहाँ पर हाइलाइट्स को हम यहाँ पे कम करेंगे, और शेडो को हम इंक्रीज करेंगे, और वाइट्स को हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे, देख सकते हो। और ब्लैक्स को भी हम यहाँ पे -16। ओके गाइज, अब पार्ट है कर्व का। कर्व पे आने के बाद आपको ग्रीन वाले पे सिलेक्ट करना है, और ये जो मिड टोन वाला पॉइंट है उसको हल्के से ऊपर ले जाना है, और जो टॉप वाले पॉइंट है जिसको हम लोग हाईलाइट से बोलते हैं उसको हल्के से नीचे करना है। और यहाँ पे देख सकते हो किस तरह मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। आप चाहो तो इस तरह कर सकते हो, या तो आप इसे स्किप मत करना, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके गाइज, अब आना न्यूट्रल वाले पॉइंट पे। न्यूट्रल वाले पॉइंट पे मैंने क्लिक किया है, और इसकी हल्के से स्लाइटली ऊपर कर रहा हूँ, ताकि इसमें हमारी इमेज में कुछ फेड लुक आए। ओके गाइज, हमारे ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे हम लोग कलर्स पे, और कलर्स पे आने के बाद हम लोग इसके टेम्परेचर करेंगे इंक्रीज, और टिंट को हम करेंगे डिक्रीज, और वाइब्रेंस को भी हम यहाँ पे करेंगे डिक्रीज, और सैचुरेशन को हम लोग हल्के से यहाँ पे करेंगे डिक्रीज। ओके गाइस, अब मिक्स पे आते हैं, और मिक्स पे आने के बाद आपको करना है यहाँ इसकी सैचुरेशन को माइनस की, और यहाँ पे इसकी ल्यूमिनेंस इंक्रीज करेंगे, और इसकी सेकेंड वाले पॉइंट की हम लोग यहाँ पे सैचुरेशन कम करेंगे, और यू को इंक्रीज करेंगे, यू को यहाँ पे सॉरी डिक्रीज करना है, और यहाँ पे हम लोग ल्यूमिनेंस इसकी रखेंगे 17। अब आएंगे येलो वाले कलर पे, और येलो कलर पे आने के बाद आपको सैचुरेशन करना है माइनस की, और यू को प्लस की ओर करना है, और ग्रीन में आपको यू करना है माइनस की ओर, देख सकते हो यहाँ पे मैं माइनस किया हुआ है। और सैचुरेशन को यहाँ पे हल्के से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसे डिक्रीज करेंगे हल्के से, और इसकी हम लोग यहाँ पे ल्यूमिनेंस को हल्के से इंक्रीज करेंगे। और गाइस, यहाँ पे आते हैं अब स्काई ब्लू कलर पे। स्काई ब्लू पे आने पे आपको ह्यू को डिक्रीज करना है, और सैचुरेशन को हल्के से यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, और ल्यूमिनेंस को भी यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। अब आते हैं ब्लू के, और ब्लू पे आने के बाद आपको ये पूरे 100 कर देना है सैचुरेशन ह्यू को, और सैचुरेशन को यहाँ पे माइनस करना है, और ल्यूमिनेंस को यहाँ पे प्लस क्लियर करना है। और गाइस, यहाँ से डन करने के बाद अब आते हैं नीचे वाले पे, और इंक्रीज करेंगे टेक्सचर को, और यहाँ पे क्लैरिटी को भी हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। और गाइस, यहाँ पे हम लोग डीहेज को भी इंक्रीज करेंगे, और विग्नेट को कम करेंगे -8। और गाइस, यहाँ पे अब बारी है इसकी शार्पनिंग बढ़ाने की, तो हल्के से यहाँ पे इसकी शार्पनिंग को हम करेंगे इंक्रीज, और इसकी हम करेंगे मास्किंग को 50, और कलर नॉइज़ रिडक्शन को हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तकरीबन 38, और कलर नॉइज़ रिडक्शन को हम लोग यहाँ पे 35 के आसपास रखेंगे। ओके गाइस, लगभग हमारा सब कुछ हो चुका है डन, तो आप देख सकते हो। और गाइस, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ इंक्रीज बताया, क्या किस किधर आपको इंक्रीज ले जाना है, किधर डिक्रीज ले जाना है वो बताया है, ताकि आपको करने में काफ़ी आसानी हो, और आप देख के काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने जो सेम किया है, अगर शायद वो आपके फ़ोटो में कलर कॉन्ट्रास्ट अलग है, तो शायद आप पे अलग वर्क करेगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। और जो काफ़ी पे देख सकते हो, पहले किस इस तरह थे यार, अभी कुछ इस तरह है। मूडी ग्रीन काफ़ी अच्छी एडिटिंग हुई है, तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरा अपना सपोर्ट दिखाओ यार, प्लीज़ बहुत सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।
और गाइज एक और बात, आपको बैकग्राउंड्स और PNGs चाहिए तो सारे के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो आप वहाँ से सिंपली जाके डाउनलोड कर भी सकते हो। और बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।